हे हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 के होम साइंस का जो 13 तारीख को पेपर आने वाला सीबीएसई बोर्ड 2024 में, उसका सैंपल पर कंप्लीट जो है सॉल्व करने वाले हैं। उसके आंसर के भी आप सभी को देने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड 2024 में होम साइंस का पेपर कैसे आने वाला है, वो सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या होने वाला है। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी के। तो टोटल क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहेंगे करने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए। सेक्शन ए में A1 से लेकर A3 तक जो है वो एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ईच 1 मार्क्स रहेगा। सेक्शन बी में 90 से लेकर 25 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे रहेंगे और 26 से लेकर 29 तक 3 मार्क्स वाले रहेंगे। इसी प्रकार से 33 से लेकर जो है 30 से 33 तक 4 मार्क्स ईच एंड 34 से लेकर 35 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से जो MCQ पूछा जाएगा। यूज़ ऑफ द एरोगोनॉमिक्स इन वे एनी वर्क प्लेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही आंसर वो है सी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। राइट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, रीटा हैज़ डिज़ाइन अ फ्रॉक फॉर हर 6-year-old डॉटर यूजिंग लाइट एंड डार्क पिंक कलर विच इंडिकेट एस्पेक्ट्स ऑफ डैस कलर, वह HUEC इज़ द राइट आंसर। राइट, इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, डैस इज ए ब्रीफ 10 to 60 second मैसेज बिटवीन प्रोग्राम जर्नली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स प्लेड ऑन रेडियो। इसका सही आंसर वो है ए, यानी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। राइट, इसी तरह क्वेश्चन 4 पूछा गया है, अ गुड प्रेस कॉल विल प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर यंग चिल्ड्रेन। राइट, तो इस तरह से ऑप्शन दिया गया है, रोट लर्निंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, फॉर्मल टीचिंग, चिल्ड्रेन सेंटर्ड अप्रोच। राइट, तो इस तरह से है और रोट लर्निंग जो है सी ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से जो है आप सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका 5th का जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी इक्वेलिटी अमंग मैन एंड वुमेन एवरी फील्ड। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से जो है आप आइडेंटिफाई क्राफ्ट करना आप सभी को, वो कोकोनट है या पॉपर्टी है या बैम्बो है, सोला है। ये फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन सभी के आंसर की आपको इसी वीडियो मिलने वाली है, चाहे वो 2 नंबर वाले हो, 3 नंबर, सभी क्वेश्चन को आंसर के यहाँ पर आप सभी साथ शेयर करेंगे। राइट, तो इस चीज़ को लेकर आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसे लगी। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग RRE सेवा प्रोजेक्ट विलेज छात्र EDU सेट से क्वेश्चन पूछा गया है, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक डिपेंड्स ऑन फाइबर कॉन्टेंट, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, टाई एंड डे टेक्निक, ब्रांड ऑफ द फैब्रिक। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। एज़ पर द NCF 2005 द बेसिक ऑब्जेक्टिव ECCER। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया क्वेश्चन। इधर से केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, 14 क्वेश्चन इसी से संबंधित है, 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। ये सेक्शन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन 19 से। क्लियर, तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। इन सभी के आंसर भी हम सभी को इसी में आप सभी साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है आप सभी के होम साइंस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में 13 मार्च को। फिजिकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन है उसको हमने पहले ही कवर कर रखा है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर है। राइट, पूरा कंप्लीट पेपर यहाँ से दिया गया है और इसका आंसर भी हम इसी साथ आप सभी साथ शेयर कर रहे हैं। सो ये इन सभी क्वेश्चन की जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन यहाँ पर है सभी के वो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर की भी आप सभी साथ शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग जो है इस आंसर क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस इसी बेस पर आपको करना, क्योंकि इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 13 मार्च को, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, मार्किंग भी कैसे की जाएगी वो सभी चीज़ यहाँ पर दी गई है, तो इससे आप आसानी से अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छा कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आप सभी के एक लाइक एक शेयर कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार से आप सभी के लिए काम करने के लिए। तो सभी क्वेश्चन जो है आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर कवर करिएगा साथ में, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाहित किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर एंड और इसका और जो वाला क्वेश्चन है इसका आंसर, इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर 35, क्वेश्चन 35 का आंसर, इस तरीके से सभी क्वेश्चन के एमसीक्यू के आंसर, लॉन्ग आंसर के आंसर, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन के आंसर, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।